अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इंटेलिजेंट ऑफिसर का पेपर हुआ है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आज जो पेपर हुआ था इंटेलिजेंट ऑफिसर का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस तरह का पेपर आया था। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर चैनल की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है जिसमें हम डेली बेसिस पर जो भी जॉब्स आती हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट सेंड करते हैं और उनमें अप्लाई करने का भी कंप्लीट तरीका बताते हैं। तो अगर किसी ने हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारा ये व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो ये जो पेपर है इंटेलिजेंट ऑफिसर का, ये पंजाब पुलिस में जो स्पेशल ब्रांच है उनकी ये सीट्स आई हुई थी इंटेलिजेंट ऑफिसर की, उनका ये आज पेपर हुआ है। तो चलते हैं आज के पेपर की तरफ। तो आज के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी अगर किसी ने ये पेपर दिया हो और उसको क्वेश्चन याद हो तो वो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लाजमी बताए ताकि बाकी लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता जाऊँ कि ये पेपर मैंने खुद नहीं दिया, ये मुझे किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सेंड किए हैं। तो अगर इनमें से कोई क्वेश्चन गलत हो तो वो भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में उसको सही बताना है कि ये क्वेश्चन आया हुआ था और उसका ये आंसर था। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिजर्व्ड फॉक्स इज द टाइटल ऑफ, तो ये जो टाइटल है ये इरवन रोमल का टाइटल है, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है। बाद आगे चलते हैं, अरब लीग फॉर्म्ड इन, तो अरब लीग जो है ये मार्च 22, 1945 में जो है वो फॉर्म्ड की गई, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था आरएसएस वाज फाउंडेड बाय, तो आरएसएस जो है ये 1925 में कशन ब्रिलम ने जो है वो फाउंड की थी, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी गलती हो तो आप लोगों ने उसको कमेंट बॉक्स में ठीक करना है और उसका ठीक आंसर भी बताना है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आए होंगे और किसी को याद वो क्वेश्चन होंगे तो उन्होंने वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताने हैं कि ये क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 20% ऑफ 28,800 का जो 20% है वो कितना होगा, तो वो 5,760 जो है ये 28,800 का 20% होगा, तो ये इसका जो राइट आंसर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है ऑरेंज रेवोल्यूशन इन, तो ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है ये यूक्रेन में स्टार्ट हुई ड्यूरिंग 2004 में, तो ये जो है वो 2004 में यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, तो ये इसका जो है राइट आंसर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन आया हुआ था NAFTA, तो NAFTA अब मुझे ये पता नहीं है कि इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी या इसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। बाद आगे क्वेश्चन था मेडल ऑफ ऑनर कंट्री, तो उसका जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट को मेडल ऑफ ऑनर कहते हैं, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद आगे जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था एक्सटेंशन ऑफ पीपी, पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है वो .pptx है, ये इसकी जो है वो एक्सटेंशन है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल की एक्सटेंशन पूछी गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है .xlsx, तो ये इसकी जो है वो राइट एक्सटेंशन है एक्सेल की। उसके बाद आगे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन सा गजबा था जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों की बारिश से मदद की, तो वो जो है वो गजबा था गजबा बदर, तो गजबा बदर में जो है वो मुसलमानों की तादाद भी पूछी जाती है, 313 मुसलमानों की तादाद थी और कफार 1,000 के करीब थे और इसमें जो है वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की काफ़ी तरीक़ों से मदद की जिसमें एक बारिश भी थी, अल्लाह ताला ने बहुत तेज़ बारिश बरसाई। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था ज़िम्मेदार न्यूज़पेपर बाय, तो ज़िम्मेदार न्यूज़पेपर जो है ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब ने इसको स्टार्ट किया था, तो ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का जो है वो ज़िम्मेदार पेपर है, न्यूज़पेपर है। उसके बाद आगे जो है वो ये क्वेश्चन मुझे सही तरह से समझ नहीं आया कि पता है मक्का में कितने कफार मारे गए, तो ये आप लोगों ने बताना है कि ये किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर किस सिटी से जारी हुआ, तो फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर जो है ये लाहौर क्रॉनिकल से जो है वो जारी हुआ, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है।
उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है 2022 पैरालंपिक टोटल गेम्स, तो इसमें जो टोटल गेम थी वो 78 जो है वो इसमें गेम में खेली गई थी, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है 78। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है हाइट ऑफ हंडल्स इन 100 मीटर, ये भी मुझे क्वेश्चन सही तरह से रिसीव नहीं हुआ, तो इसका जो राइट आंसर इस हिसाब से बनता है वो 33 इंच, और अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 83.8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। तो अगर ये किसी को क्वेश्चन सही तरीके से याद हो तो वो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लाजमी बताए। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो सेरिब्रम जो है ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, हमारे दिमाग का सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो सेरिब्रम कहलाता है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर जो है वो दी स्टेमन है, दी स्टेमन को जो है वो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहा जाता है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है एयर इनहेल्ड लास्ट पास्ट फ्रॉम, तो ये भी क्वेश्चन सही तरीके से नहीं रिसीव हुआ, तो अगर किसी को ये क्वेश्चन सही तरीके से याद हो तो वो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लाजमी बताया। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बनता है थ्रो ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंची, तो ब्रोंची से जो है वो हम एयर इनहेल्ड करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है इन पीपी टेक्स्ट बॉक्स कार्ड, तो टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो कहते हैं टू प्लेस टेक्स्ट एनीवेयर ऑन अ स्लाइड, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है। जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स होता है वो पावर पॉइंट में टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था एक्सेल चार्ट ड्रा की, तो एक्सेल में जो चार्ट ड्रा करने के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं वो F11 की यूज करते हैं, तो F11 इसका जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है एरिया ऑफ केपीके, केपीके का जो एरिया है वो है 1,17,41 किलोमीटर जो है वो इसका स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है केपीके का। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है एट सी ईडीएम, तो इसका जो मतलब होता है वो कम्प्लीटली लॉस्ट होता है, तो एट सी ईडीएम का मेन है कम्प्लीटली लॉस्ट। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है निषाद ग्रुप, इसकी फुल फॉर्म है निषाद ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल, तो इसको जो इस्टेब्लिश किया गया वो 1951 में इस्टेब्लिश किया गया, अगर ये भी क्वेश्चन किसी को सही तरीके से याद हो तो उसने कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है पेज डाउन की किस लिए यूज़ होती है, तो टू स्क्रोल डाउन वन पेज एट अ टाइम के लिए जो है वो पेज डाउन की यूज़ होती है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था रीगन का जो सिनोनियम है वो प्रोसिक्यूट है, तो अरिगन का सिनोनियम पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोसिक्यूट। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था लीडर इन जंगे कुदसिया, तो जंगे कुदसिया में जो लीडर थे वो साद इब्ने अबी वकास साहब जो हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, सॉरी वो इसमें जो है वो जंगे कुदसिया में लीडर थे। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था पॉलिटिक्स एंड स्टेट रिटन बाय, तो ये मोहम्मद वसीम साहब ने ये बुक लिखी है, तो इसका राइट आंसर मोहम्मद वसीम है। उसके बाद आगे हमारे पास सिनोनियम पूछा गया था ग्रेसली का, तो इसका जो सिनोनियम है वो हॉरिबल है, हॉरिबल जो है ये ग्रेसली का सिनोनियम है। उसके बाद आगे ब्लूमिंग का सिनोनियम पूछा गया, तो फैडिंग इसका सिनोनियम है, एंटोनियम है सॉरी, तो ये इसका जो है एंटोनियम है। उसके बाद आगे टल्ला जोगियन, इसका पता नहीं मुझे ये क्वेश्चन किस तरह आया हुआ था, अगर किसी को ये क्वेश्चन सही तरीके से पता हो तो उसने लाजमी बताना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया था कायदे आज़म 14.8, तो कायदे आज़म ने जो 40 पॉइंट जारी किए थे वो 9 मार्च 1929 में इन्होंने 14 पॉइंट लिखे थे अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन था गूगल फाउंडेड बाय, तो गूगल को जो है वो लैरी पेज एंड सृजी ब्रन ने जो है वो फाउंड किया था। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था EEPR रोम जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी जो है वो फुल फॉर्म है, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद ड्यूरल लाइन का पूछा गया था, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ड्यूरल लाइन मौजूद है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था मोहसिन अल मुल्क सेक्रेटरिएट इन 1907, तो ये MAO कॉलेज के जो है वो 1907 तक सेक्रेटरिएट रहे। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, तो मंचर लेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है।
उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया था गॉडविन ईस्टन इन, तो ये के टू का दूसरा नाम है, तो ये कराकरम रेंज में मौजूद है, तो कराकरम इसका राइट आंसर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया था वो इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, तो थॉमस एल्वन एडिसन ने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को जो है वो इन्वेंट किया, तो जो थॉमस है इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट के इक्वल होती है वन बाइट। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया था NAFTA साइंड बाय, तो ये कैनेडा मैक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट इनके दरमियान ये जो है वो साइन हुई है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट इज द बिगेस्ट कंपनी ऑफ, तो ये मार्केट कैप की सबसे बड़ी कंपनी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्केट कैप। तो ये हमें क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, तो अगर किसी को इसके रिलेटेड मजीद क्वेश्चन याद हों तो वो कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन लाजमी बताए ताकि दूसरे लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो सके। तो अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड होना हो तो ये हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।